प्रियंका गुप्ता आपके साथ। हर रोज हमारी कोशिश रहती है कि 4 से 4:30 आपके चेहरे पर हम मुस्कुराहट जरूर लाएं। और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान से, जिनको टैग भी मिला हुआ है #जम्मू दी कुड़ी है। हमारे जम्मू से एक बेहतरीन टैलेंटेड सिंगर आज हमारे बीच में है और बहुत प्यारे प्यारे गाने भी आज ये गुनगुनाएंगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी हर रोज जिस तरह से ज्वाइन करते हैं हर्षवर्धन सिंह हैं, जो बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, ये भी आपको गाना सुनाएंगे, और जसलीन कौर भी हमारे साथ हैं। तो इस शाम को और सुनहरी शाम बनाने के लिए हर रोज हमारी कोशिश रहती है। तो सबसे पहले ज्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले फटाफट से गाना सुनेंगे, और सबसे पहले हम वही गाना सुनेंगे, डोगरी गाना। और कहते हैं कि जम्मू में जो डोगरी लैंग्वेज है बहुत ज्यादा मीठी होती है, तो इसी मीठेपन के साथ हम शुरुआत करेंगे। और वर्षा जम्वाल जो आज हमारे बीच में है, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को डोगरी गाना सुना दें। बिल्कुल, क्योंकि जम्मू से रहने वाली हूँ और डोगरी मैं आज सुनाऊंगी, जिसमें हमारी जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का वर्णन किया हुआ है, और उम्मीद करूंगी सभी को जरूर पसंद आएगा। पहाड़े ऊपर बदल बदले देच पानी है, बिच चना बरवानी है, हर एक थारे सुरगे आंगर मन दी मौज मनाइए, देखो जम्मू शहर च आइए, देखो एक फराटी पाइए, देखो जम्मू शहर च आइए, देखो एक फराटी पाइए, देखो। जय डुग्गर जय डोगरा। तो बिल्कुल आपने सुना ही होगा कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है जम्मू कश्मीर में है, ताज है जम्मू कश्मीर हमारे देश का। और बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया कि कभी हमारे जम्मू कश्मीर में आके देखिए कितनी सुंदर जगह है ये। और साथ ही अब मैं चाहूंगी हर्ष हमारे साथ हैं, हर्ष की आवाज भी बहुत अच्छी है। तो इससे पहले हम वर्षा से ढेर सारे गाने सुने, और आपको ये एक खास बात मैं वर्षा के बारे में बता देती हूँ कि आवाज पंजाब जो एक बहुत ही फेमस रियलिटी शो था, वहां पर इन्होंने ये फाइनलिस्ट रही हैं, बहुत उम्दा इन्होंने परफॉर्मेंस की हमारे जम्मू कश्मीर का, वहां पर जाके इन्होंने नाम रोशन किया। तो पंजाब में ये परफॉर्म करके आई हैं, पंजाबियों के साथ गाकर आई हैं, तो कैसा रहता है एक्सपीरियंस, क्योंकि कहा जाता है पंजाबी बहुत ज्यादा फनी होते हैं, तो हमेशा हंसी मजाक का माहौल। बिल्कुल, वो बहुत ना इनकी वे ऑफ टॉक बहुत फ्रैंक टाइप होता है, और हमारी जो मीठी सी लैंग्वेज है जम्मू की डोगरी, और अच्छे होते हैं काफी सारे, फनी होता है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वहां का। तो क्या कहती हो जसलीन, अब हम हर्ष से भी एक गाना सुनते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम सब जानते हैं हर्ष भी बहुत अच्छा गाता है, तो एक गाना हर्ष से भी बनता है। तो बिल्कुल हर्ष, हमारी ऑडियंस भी इंतजार कर रही है कि तुम भी एक गाना सुना दो, तो हम चाहेंगे तुम हमारे दर्शकों को एक गाना। जी थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, और रोज़ बरोज़ मैं कोई ना कोई नया गाना सुन ही लेता हूं, क्योंकि रोज़ के शोज़ में ऐसा होता है कि मेरी जो प्लेलिस्ट की लाइब्रेरी है वो भी कम होती जाती है, तो मुझे और सीखना पड़ता है। तो आप लोगों के प्यार ने मुझे रोज़ ना रोज़ कोई नए नए गाने जो मैं सीखता जा रहा हूं। तो आज भी मेरा एक गाना रहेगा जो मैं काफ़ी सुनता हूं, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, पंजाबी सॉन्ग है। मान हो जांदा दूना जट्टी दा, हो तेरी कड़ी होई रैली देख के, ओ तेरा रोब है पसंद मुंडिया, मुछ मोड़ दें तू वैली वेख के। मान हो जांदा दूना जट्टी दा, तेरी कड़ी होई रैली देख के, तेरा रोब है पसंद सोनिया, मुछ मोड़ दें तू वैली वेख के। आउंदे ना वलैती सुपने ते ना कोई फरारी आउंदी है, मेरे सुपने दे विच सोनिया ओ बस तेरी सरदारी आउंदी है, मेरे सुपने दे विच सोनिया बस तेरी सरदारी आउंदी है। अख रखदा ना कैट वॉकां ते, इस गल दा सुकून बाला है, जिस्मां ते नहीं रुकदी ओदी सोच दा मियार उच्चा है, नाल खड़ू पौने 6 फुट दी
सोच दिल च प्यारी आउंदी है मेरे सुपने दे विच सोनिया बस तेरी सरदारी आउंदी है मेरे सुपने दे विच सोनिया बस तेरी सरदारी आउंदी है यारा नू भी रखे टॉप ते मेरे लिए भी प्यार सुचा है जिस्मां ते नहीं रुकदी ओदी सोच दा मियार उचा है एक रात दा स्टैंड कास्तों ए दुनिया खलारी आउंदी है मेरे सुपने दे विच सोनिया बस तेरी सरदारी आउंदी है मेरे सुपने दे विच सोनिया बस तेरी सरदारी आउंदी है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत अच्छा लगा जिस तरह से हमें, तो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। और जसलीन, अगर हम सूफिज्म की बात करें तो सूफी गाने सुन के भी एक अलग ही सुकून मिलता है, जो लगातार हमारी कोशिश है अपने दर्शक, जो हमारे दर्शक हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, थोड़े सुकून के पल वो हमारे साथ काटे, तो हम चाहेंगे एक सूफी गाना आप हमारे। बिल्कुल, एक सूफी सॉन्ग सुनाऊंगी, उम्मीद करेंगे सभी जरूर पसंद करेंगे। रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा हो बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है ये सबका फेवरेट गाना भी है, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई। तो अगर हम बात करेंगे आवाज पंजाब, एक बहुत फेमस रियलिटी शो, तो ऑडिशंस जब आप देने गए तो मुझे लगता है जम्मू से बहुत कम, इनफैक्ट अकेले आप ही होंगे, तो ऑडिशंस के टाइम पे किस तरह का? एक्चुअली मैंने ऑडिशन नहीं दिया था, हमारे जम्मू में नवरात्रा फेस्टिवल में एक कॉम्पिटिशन होता है, ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन, मैंने वहाँ से गोल्ड विन किया था, देन मुझे वहाँ से डायरेक्ट एंट्री मिली थी, गोल्डन टिकट मिली थी आवाज पंजाब दी में, वहीं से मैंने पार्टिसिपेट किया, ऑडिशन नहीं देना पड़ा था। जी बिल्कुल, तो अगर हम बात करेंगे, आप जम्मू दी कुड़ी हैं, आपको हैशटैग जम्मू दी कुड़ी का टैग मिला हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में बात करें तो 4G को लेकर बहुत परेशानी है, अगस्त से ही 4G सर्विसेज जम्मू कश्मीर के बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, युवा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 4G सर्विसेज कब जम्मू कश्मीर में बहाल हो जाएं, तो 4G को लेकर अगर आप कोई गाना हमारे दर्शकों। हम सब जानते हैं 4G की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, 2G इतना काम नहीं करता है, और हमारी कॉलेजेस बंद है इस टाइम, घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है, ऑनलाइन क्लासेस लगती है, बट पढ़ें कैसे, नेटवर्क इतना एरर होता है और इतनी प्रॉब्लम होती है, और उसी बात पर मैंने एक 4G पे सॉन्ग लिखा था डोगरी में, और काफी ज्यादा वायरल हुआ था 4G आ जम्मुआ, और उम्मीद करूंगी सभी जरूर पसंद करेंगे, और मेरी ये रिक्वेस्ट पहुंचेगी कि अब तो 4G चला दो जम्मू में, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, सो ये एक सॉन्ग। ओ 4G आ जम्मुआ, आ जम्मुआ 2G ने पाया सियापा, 4G आ जम्मुआ 2G ने पाया सियापा, 4G आ जम्मुआ। यूट्यूब नी चलदा, लाइव न चलदा, ऑनलाइन न चले क्लासा, 4G आ जम्मुआ 2G ने पाया सियापा, 4G आ जम्मुआ। थैंक यू, बहुत बढ़िया है। तो हर्ष, जसलीन, कुछ बात करना चाहोगी या कोई गाना और कोई सुनना चाहोगी? बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि हम बातें कम करें और गाना ज्यादा सुने, क्योंकि इतना अच्छा वो गा रही हैं, तो हम चाहेंगे आप एक और कोई पंजाबी सॉन्ग अगर हमें सुना सके। बिल्कुल,
एक सुनाऊंगी रश के कमर, उम्मीद करूंगी सारे जरूर पसंद करेंगे। बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया है जी। तो हर्ष कहीं इतना अच्छा ये गा रही है, तुम भी गाते हो तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिल रही है तुम्हें? मैं वैसे नेचुरली मोटिवेटेड रहता हूँ, लेकिन इनकी आवाज़ बहुत स्वीट है और सोल को टच करती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और थोड़ा मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में, इनिशियल जर्नी जैसे आपकी हर एक आर्टिस्ट की होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, मैं 4 साल की थी, एक छोटे से गांव से मैं रहने वाली हूँ, श्रींसर मानसर। ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है अब, श्रींसर की मैं रहने वाली हूँ। और मैं 4 साल की उम्र में जम्मू आई और स्कूल में छोटे छोटे कॉम्पिटिशन होते हैं ना, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, मैं वहाँ गाने जाती थी और ऐसे ही मैम भेज देते थे, प्रिंसिपल मैम, और वहाँ मेरा एक बार फर्स्ट प्राइज आ गया, तो वहीं से पता चला कि मैं भी गाती हूँ। ऐसे मजाक में गाया था, वहाँ भी स्कूल की प्रेयर गाई थी और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। और मैं 5 साल की थी जब मैंने फर्स्ट टाइम लाखों लोगों के सामने परफॉर्म किया था स्टेज पे, और बोल्ड बहुत थी मैं, डरती नहीं थी, और जितने ज़्यादा लोग होते थे उनमें परफॉर्म करने मुझे अच्छा लगता है, तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। सबसे अच्छी लाइन मुझे लगी कि आप किसी भी सिचुएशन में डरती नहीं थी। तो जसलीन, क्या लगता है बाकी लड़कियों की तरह या जो सिंगर बनना चाहते हैं उनको एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिल रही है? बिल्कुल, कि जितनी भी लड़कियां वहां पर हैं इनसे मोटिवेशन जो है कहीं ना कहीं मिलेगी। और प्रियंका, बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो इनकी तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। नाम मेंशन करना चाहूंगी उन व्यूअर्स का, तारिक ज्ञानी हमारे साथ है जो लिख रहे हैं कि स्वीट वॉइस, पंकज हमारे साथ हैं ऑसम लिख रहे हैं, वहीं हिदायत सैयद हमारे साथ है जो लिख रहे हैं गुड थ्रो एंड स्वीट वॉइस, और वहीं कुरेशी जी हैं कह रहे हैं कि अच्छा जी मजा आ गया। तो बिल्कुल हमारा मेन मकसद ही ये है कि हमारे व्यूज जो हमें देख रहे हैं उनको जो है इस प्रोग्राम के जरिए जो है मजा आना चाहिए। वहीं सुशील शर्मा हमारे साथ हैं, वो भी लिख रहे हैं कि वेरी गुड वॉइस, और वहीं मुर्शल हमारे साथ है जो गुड इवनिंग कह रहे हैं प्रियंका, जसलीन एंड हर्षवर्धन, तो सर आपको भी हमारी ओर से गुड इवनिंग। और वहीं कुछ व्यूअर्स कह रहे हैं कि नाइस वॉइस एंड यू मेक स्माइल टू ऑल द व्यूअर्स, तो लगता है कि यही हमारा प्रियंका मेन मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए जो है हमारे व्यूज जो है वो खुश हों। और शर्मा अनुराधा हमारे साथ है, वेरी नाइस लिख रही है, तो और भी जितने व्यूज हमारे साथ हैं। बिल्कुल, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि ये जो शाम है इसे और अच्छा और सुनहरा बनाया जाए। और इसी के साथ, इसी मकसद से हमारे बीच में आज वर्षा जम्वाल हैं जो जम्मू की एक बेहतरीन सिंगर हैं, और इन्होंने बाहरी राज्यों में भी परफॉर्म किया हुआ है, वहां पर भी उम्दा परफॉर्मेंस इन्होंने की है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। तो इसलिए कोशिश रहती है हमारी बातें कम करें और जो अपॉर्चुनिटी है उसे गेन करें, और आज आप हमारे साथ हैं तो अगर आप एक और गाना। बिल्कुल, जम्मू के लिए, क्योंकि डोगरी में कहते हैं मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, और एक दो लाइन में मतलब डोगरी में बोलूंगी, सारेंगे मेरे थमा जय डोगरा जय डोगरा, नमस्कार अदाब सत श्री अकाल। और मैं तुसें एक डोगरी गीत सुनाने जा करनी है, उम्मीद करके तो सारेंगी बड़ा के शैल लगक, मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। मिठड़िए ओए होए मिठड़िए डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे, मिठड़िए ओए होए मिठड़िए डोगरे
ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਠੇ ਲੋਕ ਡੋਗਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰ ਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਰ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰ ਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਓਏ ਹੋਏ ਦਿਨ ਦਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਲੀ ਤੋਲੀ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਠੇ ਲੋਕ ਡੋਗਰੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਲੀ ਤੋਲੀ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਠੇ ਲੋਕ ਡੋਗਰੇ ਮਿੱਠੜੀਏ ਓਏ ਹੋਏ ਮਿੱਠੜੀਏ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਠੇ ਲੋਕ ਡੋਗਰੇ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਠੇ ਲੋਕ ਡੋਗਰੇ। बिल्कुल, जिस तरह से डोगरा दी बोली मीठी है, आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा मीठी है, और इसी तरह से जो ये प्रोग्राम है इसमें हम चाहते हैं कि कोरोना से हटके, अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से हटके, आधा घंटा आप सुकून के साथ जेके 24/7 न्यूज़ के साथ बिताएं। और इसी के साथ मैं चाहूँगी आपको ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि पंजाबियों के साथ आपने परफॉर्म किया है, बचपन में बहुत सारे गाने गाए हैं, पार्टिसिपेशन आपकी रही है, तो कोई ऐसा फ़नी मोमेंट जो आपको याद हो कि आपको हमेशा वो याद करके हंसी आती हो पंजाब में जब आपने किसी के साथ गाना गाया या कुछ। बिल्कुल, उनकी जो लैंग्वेज होती है ना बहुत फनी टाइप होती है, वो सोचती नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं, बोलने से पहले सोचती नहीं है, जो भी बोलते एकदम से मतलब फटाक से बोल देते हैं, और बताना नहीं चाहूँगी मैं वैसे, और यू नो मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, और सो मैं गा रही थी तो गड़बड़ हो रही थी बीच में, मुझे बोलता हूँ मोटो जी गा, तो मुझे वो बड़ा अजीब सा लगा था, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है बहुत मीठी है, और वो बेशक वो दिल से नहीं बोलते हों, मुँह फट होते हैं, तो मुझे बहुत हंसी भाई, अंदर से मैंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, बट थोड़ा लगा शौक की यार ये कैसे बात कर रहे हैं, बस दिल के साफ होते हैं पर थोड़े मुँह फट, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो क्या हर्ष कहना चाहोगे। बिल्कुल सही बात है, पंजाबी दिल के बहुत साफ होते हैं, और बंदे बंदे पे डिपेंड करता है वो किस तरह की बात करता है, तो ये सारे उसके लिए लागू नहीं होता, लेकिन उन्होंने उसमें हंस के ये बता दिया कि उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से इस चीज़ को लिया, एज अ वो कि उन्होंने मुंह नहीं बनाया या नखरा नहीं किया इसको सुन के, तो ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट की तरह है। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे साथ वर्षा जम्वाल है, लगातार कोशिश करेंगे कि अच्छे से ये गाने गाएं और आप तक इनकी आवाज़ पहुंचे, और साथ ही जिस तरह से संगीत में बहुत जादू होता है वही जादू हम इस प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिलों में खुशी लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ और आप सुनाना चाहेंगे। बिल्कुल सुनाऊंगी, एक डोगरी गीत सुनाऊंगी, उम्मीद करूंगी आप सब जरूर पसंद करेंगे। ओ फौजी परदेसी रांझना दिल लगदा नी मेरा, हो फौजी परदेसी रांझना दिल लगदा नी मेरा, हो छुट्टी रांझना ओ कदुआना छुट्टी रांझना मिल होना तेरा मेरा, हो कदुआना छुट्टी रांझना मिल होना तेरा मेरा, हो सखियां दे नौकर आई ओ सखियां दे नौकर आई छुट्टी दो मिने रांझना, हो सखियां दे नौकर आए छुट्टी दो मिने रांझना, हो फौजी परदेसी रांझना दिल लगदा नी मेरा, हो। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया जसलीन, जो व्यूअर सिस्टम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या हमारी कोशिश कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के यहाँ के कमेंट्स पढ़कर यही लग रहा है। ब्रिजेश्वर हमारे साथ है, नाइस वॉइस लिख रहे हैं, वहीं शाह जावेद हमारे साथ हैं, जो डिमांड कर रहे हैं कि प्रियंका हमें इन्हें अपने 8 बजे के शो में भी जो है बुलाना चाहिए। बिल्कुल, और सारंग लंगर हमारे साथ है लिख रहे हैं, नाइस वॉइस। वहीं मलिक रमजान हमारे साथ हैं लिख रहे हैं कीप इट अप, और जी एस सुदन हमारे साथ हैं, और शाह जावेद भी लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया आवाज है। तो बिल्कुल लगता है हमारी कोशिश कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती नजर आ रही है, कि जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं बहुत सारे गाने गुनगुनाए, वो सारे अपने लाइफ के फनी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें। तो और कुछ आप शेयर करना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? ये है कि जो लोग गाना चाहते हैं
इस फील्ड में आ चाहते हैं, मेहनत करो, और क्योंकि मैं 4 साल की थी जब से मैंने शुरुआत की और मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लगे रहो, एक बार सीढ़ी से गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 3 बार गिरोगे, 1000 बार गिरोगे, कभी ना कभी सीढ़ी पे तुम खड़े तो हो जाओगे। सो मेहनत करना बहुत जरूरी है और अपना एक पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल, नेगेटिव मत सोचो कि वो कैसे बढ़ गया आगे, उसने कैसे कर दिया, इतना ध्यान खुद पे लगाओ और आगे बढ़ो। तो बिल्कुल एक मोटिवेशनल बात भी इन्होंने कही। और अब हम बात करेंगे हर्ष, जिस तरह से अर्जुन से गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली रिलीजियस प्लेसेस खुल रही हैं, पर अगर हम बात करें, हालांकि भगवान तो हमारे दिल में है, ऊपर वाला जिन्हें भी हम मानते हैं हमारे दिल में है, तो कोई डिवोशनल सॉन्ग तुम सुनना चाहोगे? जैसे आपने कहा भगवान दिल में है तो वो सब जानता ही है, जैसे गुरबानी में लिखा है, विन बोलियां सब किछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। मैं किसके आगे प्रार्थना करूं, मैं किसके आगे अरदास करूं, तू तो मेरे दिलों की जानने वाला है। तो परमात्मा सब जानी जान है और वही जिस महामारी ये फैली हुई है वही उसको दूर करेगा। और फिलहाल मेरे को एक मैसेज आया व्हाट्सएप, हमारे एडिटर हैं बेअंत सिंह, उनका, कि उन्होंने कहा कि 2 लाइनें बूहे बारियां की अगर आप गा दें, तो उनकी फरमाइश पे ये मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। 2 लाइनें मुझे आती हैं, पूरा गाना नहीं आता, तो ये समझ लो कि उनकी रिक्वेस्ट पे एक मैं करना चाहूँगा। बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, मैं आवांगी हवा बन के, बूहे बारियां है, बूहे बारियां, बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, आवांगी हवा बन के, बूहे बारियां है, बूहे बारियां, बाजिश के दी जित लूंगा सोनिए, बाजिश के दी जित लूंगा सोनिए, नी आवांगा हवा बन के, बूहे बारियां है, बूहे बारियां। थैंक यू बेअंत भाई, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, इतना अच्छा गाना हमें सुनाने के लिए। तो जो माहौल हम क्रिएट करना चाहते थे तो वो बन ही गया इस प्रोग्राम में। तो कुछ ही पल बचे हैं, चाहेंगे एक और गाना हो जाए। मैंने डोगरी सुनाया, पंजाबी सुनाया, मैं चाहती हूँ कि अब मैं एक हिंदी भी सुनाऊँ, और एक सॉन्ग जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको सुनाऊंगी, दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम अगर हम हो जाते। दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम गए हम हो जाते, मैं और तुम गए हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गए हम हो जाते, मैं और तुम गए हम हो जाते, तेरे बिना ना सुकून ना करार मुझे, दूर वो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम गए हम हो जाते, मैं और तुम गए हम हो जाते। वाह क्या बात है। तो जसलीन, क्या किसी के दिल का दर्द छिड़ गया ये गाना सुनकर? बिल्कुल, मुझे लगता है कई लोगों के हो गए। यहाँ पर एक और डिमांड आ रही है कि बुल्ला शाह का कोई अगर सॉन्ग या और कोई सॉन्ग अगर वर्षा जी गा सके। बिल्कुल, एक है अल्लाह हुदा वाजावे कुल्ली नी फकीर दी विचो, बुल्ले शाह की बात की गई इसमें। बुल्ले नू लोकी मत्ती दिंदे, बुल्लिया आबे जा बिच मस्सीती, बुल्ले नू लोकी मत्ती दिंदे, बुल्लिया आबे जा बिच मस्सीती, बिच मस्सीतां दे की कुछ हुंदे जे दिलो नमाज़
ना नीती बारो तो लत्ता गोडे अंदरों रहे मलिती तेरा दिल खड़ा वे मुंडे कुड़िया सजदे करे मस्ती कन्ना नू हथ लाइए पहला फिर नमाज ते नीती दुनिया दारा रब दे नाल भी चार सौ बीते किती अल्लाहू अल्लाहू दा वास आवे कुली नी फकीर दी विचों अल्लाहू दा वास आवे कुली नी फकीर दी विचों अल्लाहू दा वास आवे कुली नी फकीर दी विचों अल्लाहू 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 थैंक यू। वाह मुझे लगता है ये शाम खत्म ही नहीं होनी चाहिए थी और इसी तरह चलती रहनी चाहिए थी। जैसे हमें गूज़बम्स आ गए क्या तुम्हें भी? बिल्कुल, मैं तो खो गया था बिल्कुल जब आपने अल्लाहू का वो आलाप लिया था, क्योंकि हमारे दिल के तार छिड़ गए थे उस खुदा के साथ। तो बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने हमारे दर्शकों का और हम सभी का जो है ये तो एक म्यूजिकल नाइट इवनिंग आपने बनाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल वर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया जेके 24/7 न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और इतने प्यारे प्यारे गाने सुनाने के लिए, स्पेशली जो लास्ट में आपने सुनाया बहुत कनेक्शन फील हुआ। बिल्कुल एकदम से रोंगटे खड़े हो गए और लग रहा था कि बस ये यूं ही चलता रहे और हम इसी तरह सुनते रहें। जी इजाजत है, कुछ मैसेज देना चाहेंगी वर्षा हमारे लिए? बिल्कुल, जैसे हम जानते हैं कोरोना जो वायरस चल रहा है, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और खुद भी सुरक्षित रहिए, साथ साथ में अपने देश को भी सुरक्षित रखिए। थैंक यू। बिल्कुल इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए हर रोज जेके 24/7 के साथ। ये सुकून के पल बताना भूलिएगा नहीं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे जेके 24/7 न्यूज़।